खबर आ रही है खुर्जा से, जहां खुर्जा क्षेत्र में एक दबंग प्रधान ने अपने गुंडों के साथ मिलकर 6 लोगों को पीटा। बताया जा रहा धारदार हथियार से लोगों पर कई वार किए गए हैं, जिसके बाद घायल लोगों को खुर्जा के सूरजमल जटिया अस्पताल में भर्ती कराकर उनका इलाज किया जा रहा है। मामले में आरोपी दबंग प्रधान अपने साथियों के साथ मौके से फरार है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। बताया जा रहा दबंग प्रधान इससे पहले भी इस तरह के कई विवादों में शामिल रह चुका है। ये मामला बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली के झमका गाँव का है। कौन सा गाँव आपका? झमका। क्या मामला हुआ है? कितने लोगों की चोट लगी है? सर इनने 4-5 लोगों की चोट मारी है। अच्छा, क्या मामला था? सर मैं तो आ रहा था गाजर, अभी 10 दिन हो गए गाजर लगाई, गाजरों पे से आ रहा था। ये 3 लोग पहले आए बाइक पे, 2 पीछे से आए, इनने कहे ये जा रहा, फिर इनने क्या मारा है, मेरे हथियार है इन पर, दाब हथियार थे पहने। क्या क्या ले रहे हैं? सर मेरे पे एक तो फोन था रियलमी का और मुझ पर 4,500 रुपये थे। सब ले गए सर, उन्होंने मुझ पर कुछ नहीं छोड़ा। आपने पुलिस को सूचना दे दी? सर पुलिस को सूचना दे दी मैंने। क्या नाम है बेटा आपका? प्रियंका। प्रियंका कौन सा गांव है? झमका। क्या मामला हुआ, आपके चोट कैसे लगी है? ये जब मेरे चाचा आए थे गाजर से, तो जो उनके मतलब जो प्रधान है गाँव का, वो बहुत ही मतलब खतरनाक है, गुंडागर्दी करता है पूरे दिन, और हमारे मतलब पहले से जान के पीछे पड़ा हुआ है। मेरे पापा कह रहा था कि खुलेआम धमकी दे रखी है उसने कि जान से मारूंगा, तो आज मेरे चाचा आ रहे थे अकेले, देखा तो उसने, तो 5 जने उसके पीछे लग गए, और देखो चाचा के भी हाथ बट रहे, मेरे भी यहाँ पे लग गई है। क्या चीज मारी है? पता ही नहीं पड़ रहा कुछ भी लड़ाई में, और उनके बहुत सारे जने थे, मतलब 50 मतलब बहुत पूरा कुनवाई था, और अलग बिरादर भी थी उनकी जो उनके सपोर्ट कर रही थी, कस्सी थी, पता नहीं क्या क्या था उनके पास। पुलिस को सूचना दे दी आपने? हाँ।